हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं द बॉय हु ब्रोक द बैंक का सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने देखा कि सेठ गोविंद राम कहीं चले गए थे, तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। तो सेठ छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर गए हुए थे। ये सुनकर उस जेंटलमैन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो भागता हुआ वापस से बार्बर के शॉप पे आता है और फेज हुसैन से कहता है, चिड़िया दौड़ गई, सेठ गोविंद राम ने टाउन छोड़ दिया। इसका मतलब तो साफ ये है कि बैंक सही में डूबने वाला है। अब बाकी का हेयर कट मैं कल करवा लूंगा। ये बोलते हुए वो शॉप से बाहर चला जाता है और डायरेक्टली अपने ऑफिस में चेकबुक लेने के लिए चला जाता है। यहाँ मेकिंग अ बी लाइन का मतलब है बहुत ही तेजी से और डायरेक्टली अपने ऑफिस भागना, क्योंकि वो बैंक से अपने सारे पैसे निकालना चाहता था जितनी जल्दी हो सके। ये न्यूज़ पूरे बाजार में इस तरह से फैल गया जैसे कि कोई जंगल की आग हो। ये बात जनरल स्टोर से चाय की दुकान तक पहुंच गई, कस्टमर से होते हुए पान बेचने वाले के पास भी पहुंच गई, दर्जी के पास भी चला गया, फ्रूट वेंडर यानी जो फल बेचने वाले होते हैं उनके पास भी चला गया, ज्वेलर के पास भी चला गया, यहाँ तक कि जो भिखारी बैठे हुए होते थे पेवमेंट पे उन तक भी ये सारी बातें पहुंच गई। लोग सड़क के किनारे खड़े होकर इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस छोटे से शहर में मुश्किल से ही कभी कोई दुर्घटना या कोई आपदा आई होगी। यहाँ ना तो कभी कोई बाढ़ आया, ना कभी भूकंप आया और ना ही कभी सूखा पड़ा। अब यहाँ पे जो बैंक के डूबने की बात थी, इस बारे में हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। यहाँ इमिनेंट का मतलब है कोई बहुत ही बुरी घटना जो जल्दी घटने वाली है। यहाँ स्पेक्यूलेटिंग का मतलब है बिना फैक्ट जाने किसी चीज़ के बारे में अपनी अपनी राय देना, और फ्रेंजी का मतलब है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होना। तो बैंक के डूबने की खबर सुनकर सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, वो भी बहुत ही एक्साइटेड तरीके से। कुछ लोग तो अपने फार साइटेडनेस के बारे में डिंगे हाँक रहे थे। फार साइटेडनेस का मतलब फ्यूचर के बारे में पहले से ही पता लगा लेना। कुछ लोग तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि उन्होंने पहले ही अपने पैसे इस बैंक से निकाल लिए, और कुछ लोग तो इस बात से खुश थे कि उन्होंने कभी भी इस बैंक में अपना कोई अकाउंट बनाया ही नहीं। कुछ लोग तो इस बात पे भी अपने अपने विचार रख रहे थे कि आखिर क्या रीजन रहे होंगे सेठ गोविंद राम के बैंक के डूबने के। तो उनमें से कोई कहता है कि सेठ ने तो स्टेट ही छोड़ दिया और वो यहाँ से भाग गए। कुछ लोग तो यही कह रहे थे कि उन्होंने देश ही छोड़ दिया, और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वो इसी टाउन में छुपकर बैठे हुए हैं। उसी भीड़ में कोई एक ऐसा आदमी था जिसका कोई रिलेटिव उस बैंक में क्लर्क के रूप में काम कर रहा था। वो उसे कॉल करने का सोचता है और रियल बातें जानने की कोशिश करता है। जब वो उसे कॉल करता है तो उसे जवाब मिलता है कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि आधा शहर बैंक के सामने अपने पैसे वापस लेने के लिए खड़ा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर कोई पागल हो चुका है। तो ये जो रिलेटिव थे ये कहते हैं, ऐसी अफवाह आ रही है कि आप लोगों को 2 महीने से कोई पेमेंट ही नहीं मिला है। तो क्लर्क रिप्लाई देता है, वेल यहाँ तो सारे क्लर्क को उनकी सैलरी मिल रही है, अगर हमें सैलरी नहीं मिलती तो हम यहाँ काम ही क्यों करते। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ पार्ट टाइम वर्कर्स को लेट पेमेंट मिला हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पैसों की कमी है। बस बात इतनी सी है कि जो क्लर्क उन्हें पेमेंट देता है वो कुछ दिनों से छुट्टी पे है क्योंकि वो बीमार है, और आप लोग मुझसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उस क्लर्क का काम मैं करूँ। आप लोग तो मुझसे ये उम्मीद नहीं कर सकते ना। यहाँ सबके काम बटे हुए हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जब वो ठीक होकर आ जाएगा तो वो भी अपना काम करेगा। इतना कहते हुए वो क्लर्क फोन रख देता है। दोपहर तक उस बैंक में जितने भी कैश में पैसे थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके थे, और इतनी भीड़ देखकर बैंक मैनेजर बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका था, और इतनी जल्दी इमरजेंसी फंड भी नहीं मिल सकती थी किसी गवर्नमेंट बैंक से, और अब बैंक बंद करने का समय भी हो चला था। सारे क्लर्क अपने काउंटर्स को बंद कर देते हैं, लेकिन भीड़ अब भी बैंक के सीढ़ियों पे जमा थी, और वो सारे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हमें हमारे पैसे चाहिए,
वो भी आज ही, और अगर हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो हम सब कुछ तोड़ देंगे। सेठ गोविंद राम को बाहर लाओ, हमें मालूम है कि गोविंद राम वॉल्ट में छुपे हुए हैं, उसे अभी बाहर लाओ। वॉल्ट एक ऐसा रूम है जिसकी दीवारें और दरवाजे काफी स्ट्रॉन्ग और थिक होते हैं, जहाँ पर सारे पैसे और कीमती चीजों को रखा जाता है ताकि वो चोरी ना हो सके। और कुछ लोग तो हुड़दंग मचाने के लिए उस भीड़ में आकर जमा हो गए, जिनका कोई अकाउंट था ही नहीं इस बैंक में। मैनेजर दरवाजे के बाहर खड़े होकर सारे कस्टमर्स को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार यही बोल रहा था कि बैंक में काफी पैसे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को आपके पैसे चाहिए तो कल आकर विथड्रॉ कर ले। तो वहाँ पे सारे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि सारे पैसे हमें अभी चाहिए, अभी के अभी। और फिर भीड़ उन पर पत्थर मारना शुरू कर देती है, और उसी भीड़ में से कोई आदमी एक ईंटा उठाकर उस बैंक के नेम प्लेट पर मार देता है। अब ये सारे लोग कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। वहां पे पुलिस को बुलाना पड़ता है, पुलिस आती है, वो सीढ़ियों पे चढ़ते हैं और भीड़ को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे हर कोई वहां से डिस्पर्स हो जाता है, मतलब अपने अपने घर जाने लगता है, और बैंक मैनेजर को बोल के जाता है कि वो अगली सुबह फिर वापस आएंगे। अगली सुबह जब नाथू बैंक में झाड़ू लगाने के लिए आता है तो उसे वहाँ पर ढेर सारे कांच के टुकड़े और पत्थर देखने को मिलते हैं। ये सब देखकर नाथू गुस्से से अपना सर पटकते हुए कहता है, ये गुंडे लोग, भगवान करे इन्हें ढेर सारी बीमारी हो जाए, इनके साथ बहुत बुरा हो। एक तो ये लोग वक्त पर पेमेंट नहीं करते और अब मुझे इतना सारा काम करना होगा। फिर वो सीढ़ियों पर झाड़ू मारना शुरू कर देता है। तब तक वहाँ पे सीताराम आता है, अपने बाईसाइकिल से नीचे उतरते हुए नाथू से कहता है, गुड मॉर्निंग, अगले मंथ से अपने नए काम पर जाने के लिए क्या तुम तैयार हो? मुझे लगता है तुम बिल्कुल तैयार हो, अब तो बैंक वैसे भी बंद होने वाला है। ये सुनकर नाथू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तो सीताराम कहता है, क्या तुमने सुना नहीं कि बैंक अब बंद होने वाला है? यहाँ पे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जब तक सारे लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तुम यहीं पे रहो, और जैसे ही वो सारे लोग आएंगे उनके साथ तुम भी अपने पैसे मांगना शुरू कर दो, और अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाते हैं तो तुम बहुत लकी होगे। उसके बाद सीताराम अपने साइकिल पर बैठता हुआ और पैडल मारता हुआ वहाँ से निकल जाता है। नाथू फिर से सीढ़ियों पर झाड़ू मारने लगता है और खुद में ही बड़बड़ाने लगता है। जब उसका काम फिनिश हो जाता है तो वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाता है और मैनेजर के आने का वेट करने लगता है। अब तो वो एकदम पक्का इरादा कर चुका था कि उसे उसका पेमेंट चाहिए। इसके साथ ही वो अपने आप से बातें करता है और खुद को ही कहता है कि किसे पता था कि ये बैंक पूरी तरह से डूब जाएगा। और इसके साथ ही गली के दूसरे साइड में वो देखने लगता है और फिर से कहता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये हुआ कैसे। तो ये था र्यूमर का जलवा, जलवा कहना गलत होगा। खैर, आप लोगों के पास अगर कोई और सुटेबल वर्ड हो तो मुझे बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। जिसकी वजह से वो पूरा बैंक बर्बाद हो गया वो ये पूछता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। क्या बात है। इस स्टोरी में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।